हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ कलमी साग। ये देखिए, हमारे घर के पास में ये सो मैं इसको उठा के लेके आई हूँ। चलिए फिर इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे वाला को। ये देखिए, इसमें कीड़ा भी है, इसलिए जो अच्छा पत्ता है उसको हम अच्छे से निकाल लेंगे। और इसके डंडा भी हम तोड़ लेंगे जो सॉफ्ट है। ये देखिए, ऐसे मैं तोड़ ले रही हूँ। इसका जो आगे वाला पार्ट है इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे। और इसमें कीड़ा भी रहते तो अच्छे से आप लोग देख के ही तोड़ना है। और मैं ऐसे आगे वाला पार्ट को तोड़ रही हूँ और डंडा भी दे रही हूँ, क्योंकि दोनों मिक्स करने से ही अच्छे लगते हैं खाने में। और ये देखिए, इसमें ये जो अच्छा वाला पत्ता नहीं है तो इसको हम नहीं ऐड करेंगे, इसको भी फेंक देंगे। जो अच्छा वाला पत्ता रहता है वही ऐड करेंगे। मेरा ये सब हो गई है रेडी। तो इसमें जो ख़राब वाला था उसको मैंने फेंक दिया, और अच्छा वाला को हम अभी वॉश कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें कीड़ा रहता है और मिट्टी भी रहती है, तो अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है इसको। मैं वॉश कर रही हूँ अच्छे से, ऐसे 2-3 बार धो रही हूँ। तो मैंने गैस पर भी कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दिया। अभी इसमें डाल रही हूँ मैं, तो मेरा सब इसमें डालना हो गई है। अभी मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, और नमक ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि ये हो जाने के बाद थोड़ी सी बन जाती है, और अगर आप ज़्यादा डालोगे तो नमक ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ही कम ही डालिए। आप टेस्ट करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा सॉफ्ट हो गई है अच्छे से। तो इसको अभी प्लेट से ढक देंगे और अच्छे से बॉयल होने के लिए रख देंगे। और मैं प्लेट को उठा रही हूँ अभी। ये देखिए, हमारा जो कलमी साग है अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और इसे 2 मिनट्स के लिए फ्राई कर लेंगे, और अगर पानी सूख जाएगी तो थोड़ी थोड़ी ऐसे पानी डाल सकते हो आप, क्योंकि ज़्यादा सूख जाने से अच्छी नहीं लगेगी। और ये मेरा बॉयल भी हो गई है अच्छे से, तो इसको मैं निकाल रही हूँ। अभी उसी कढ़ाई में मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ धोने के बाद। ये सरसों का ऑयल है, और आप लोग इधर लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। तो इसमें मैं सूखा मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर रही हूँ। अभी कलमी साग को इसमें डाल दे रही हूँ, और 2 मिनट्स के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आप कलमी साग नहीं खाए तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में और हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गई है हमारा कलमी साग। और ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने से इसका जो स्वाद है वो बिगड़ जाएगी। तो इसको मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, हमारा कलमी साग बन के तैयार हो गई है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।